एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और सर्वव्यापी जो व्यक्तित्व है सबको साथ में ले चलने की जो प्रवृत्ति थी, खासतौर से जो समाज की एकरूपता है, जो पिछड़ापन है, जो गरीबी थी, उसके खिलाफ कल्याण सिंह जी का अपना कैलकुलेशन था। और कल्याण सिंह जी हमेशा कोई ना कोई अपनी योजनाओं के द्वारा समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। जनसंघ के जन्म के समय से ही मानी कल्याण सिंह जी का जो भारतीय जनता पार्टी या एक कहें कि राष्ट्रवादी सोच के प्रति उनकी एक अलग विचारधारा रही। पूरे देश में उनके मानने वाले लोगों की संख्या बहुत बहुतायत रही। उत्तर प्रदेश में तो एक जन नेता के रूप में वो जिसको कहना चाहिए कि मॉब लीडर थे। और कल्याण सिंह जी की एक आवाज़ पे लाखों लोग एकत्रित होना, लाखों लोग उनकी बात के उनके अनुसरण करना, ये एक चमत्कारिक नेता में ही गुण हो सकते थे। सबसे बड़ा गुण था सबको साथ में लेकर चलना और सबके लिए सोचना। एक संगठनकर्ता के रूप में वो जनसंघ के जमाने से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और उस समय भी काफ़ी प्रवास किया उन्होंने। पूरे प्रदेश के एक एक लोगों के बारे में उनको जो जानकारी थी, अद्भुत अद्भुत उनका कैलकुलेशन रहा। मैं उस ऐतिहासिक क्षण का प्रत्यक्ष गवाह रहा और उसमें खबर चल रही थी कि श्री राम जन्मभूमि स्थल पर कार सेवक पहुँच गए हैं और ये भी आ रहा था कि वो ढांचा के ध्वस्त होने की खबरें आ रही थी। ऐसे समय माननीय कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा देने के लिए जब जा रहे थे तो मनोभाव होता कोई व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ता है, लेकिन मैंने उनके जीवन का सबसे बड़ा तेज उनके चेहरे पे देखा। अद्भुत तेज था उनके चेहरे पे और एक आत्मसंतोष सा था। और वो इस्तीफा देकर जब वहाँ पर गए तो बाद में जब चर्चाएं आई तो माननीय कल्याण सिंह जी का व्यक्तित्व इतना अद्भुत था कि उन्होंने कहा, भाई किसी की गलती करना, अधिकारियों की गलती मत कहो, जो कुछ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। यानी खुद से अपनी बात को स्वीकार करना और अपने व्यक्तियों के बारे में एक सद्विचार रखना, ये अद्भुत इंसान का ही एक काम था। माननीय कल्याण सिंह जी जब भी पार्टी संगठन की बैठकों में आते थे तो वर्षों से कार्यकर्ता जिन्हें नहीं मिला होगा तब भी उसका नाम लेकर उसके परिवार तक के लोगों का नाम लेते थे। तो कल्याण सिंह जी का जो कौशल है, मैं तो छोटेपन से उनको मैंने देखा। जनसंघ के समय जब काम हो रहा था तो माननीय कल्याण सिंह जी का अद्भुत प्रयत्न था। बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद उन्होंने संगठन की मजबूती में कोई कसर नहीं छोड़ी। निश्चित रूप में उनका कद बहुत बड़ा था, वो राष्ट्र गौरव थे, वो राष्ट्रपुरुष थे और उनके अनुयायी देश में नहीं विदेशों में भी उनको मानने वालों की संख्या थी। और मैं इतना जानता हूँ कई देशों के लोग केवल कल्याण सिंह से मिलने, उनको देखने के लिए एक समय था तो आते थे। और आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कभी भी संगठन से ऊपर कोई काम नहीं किया है। और उनका जो प्रवास होता था, उनकी सभा होती थी, एक समय तो बंगाल में जब बहुत ज़्यादा संगठनात्मक ढांचा अच्छा नहीं था पार्टी का, उस समय उनके लाखों लाख लोग उनको सुनने के लिए वहाँ पर कलकत्ता में आए थे। तो कल्याण सिंह जी पूरे देश में अपनी छवि के लिए, अपने कार्यों के लिए बहुत दिनों तक जाने जाएंगे।